जय श्री कृष्ण। मैं संगीता शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाले आलू की सब्जी। इसे हमने पूड़ी के साथ में बनाया है। पूड़ी के साथ में इसका अलग ही कॉम्बिनेशन है और पूड़ी के साथ में बहुत टेस्ट लगती है। तो भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को बाफने के लिए चढ़ा देते हैं और 4 से 5 हम इसकी सीटी ले लेते हैं। आलू बफ रहे हैं जब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर तेल लिया है। 1/2 चम्मच धनिया के बीज डाल देते हैं। 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हमने यहाँ पर कूटा हुआ अदरक डाला है। 4 से 5 हमने यहाँ पर खड़ी लाल मिर्ची ली है। इन सभी को हम तेल के अंदर भून लेते हैं। खड़े मसाले डाल देते हैं। 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 चक्री फूल, 1 दालचीनी, 1 जावंत्री का फूल, 1 बड़ी इलायची ली है हमने यहाँ पर। खड़े मसालों को डालकर हम तेल के अंदर हल्का सा भून लेते हैं। खड़े मसालों से सब्जी के अंदर स्वाद तो बढ़िया आएगा ही और इससे खुशबू भी काफ़ी बढ़िया आएगी हमारी सब्जी के अंदर। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम 2 कटी हुई हरी मिर्ची और 5 से 7 मीठी नीम के पत्ते। इनको भी हम तेल के अंदर भून लेते हैं। इस भंडारे वाले आलू की सब्जी को आप जब भी बनाएं तो ये खड़े मसाले आप ज़रूर डालें। इन खड़े मसालों से क्या होगा, सब्जी का टेस्ट एक अलग ही आएगा। सुगंध तो आएगी ही और एक अलग टेस्ट बैठेगा। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास छोटी साइज़ के टमाटर हों तो आप 4 टमाटर ले लें। टमाटर को यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और टमाटर को हम हल्का सा तेल के अंदर भूनकर इसको हम ढक्कन लगाकर रख देते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे हल्के से पक जाएं। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर टमाटर हमारे हल्के से पक चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम 1/2 चम्मच नमक। नमक से क्या होगा, टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। ढक्कन लगाकर रख देते हैं फिर से। जब भी आप इस भंडारे वाले आलू की सब्जी को बनाएं तो इसमें कम टमाटर डालने की आप कंजूसी ना करें, क्योंकि टमाटर से ही इस सब्जी के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। टमाटर यहाँ पर हमारे हल्के से पक चुके हैं, पर टमाटर को हम अभी और पकाएंगे। 2 मिनट के लिए फिर से ढककर रख देते हैं, चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो खड़े मसाले ना उनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मसाले हमने सिर्फ खुशबू के लिए डाले थे। क्योंकि हम जब सब्जी खाते तो ये मुँह के अंदर आते तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमने इन मसालों को निकाल लिया है। आप चाहें तो रहने दें। 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच ही हम इसके अंदर लाल मिर्ची डाल देते हैं। नमक मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें भी पानी नहीं मिलाएंगे। टमाटर के अंदर सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम ढककर रख देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए मसाला हमारा यहाँ पर टमाटर के अंदर अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है और मसाले ने तेल छोड़ना भी चालू कर दिया है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो मसाला है सब्जी का, वो अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं 3 से 4 बजे के बीच में रोज़ाना एक वीडियो डालती हूँ। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा कर दीजिएगा। 1 से 2 कप पानी डाल देते हैं और मसाले को हम हिला लेते हैं और फिर से हम इसे ढककर रख देते हैं, ताकि जो पानी के अंदर जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है और मसाले ने तेल छोड़ना चालू भी कर दिया है। इसका मतलब हमारा ये मसाला है कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 दरदरी पीसी हुई काली मिर्ची, इनको भी हम मसाले के अंदर मिक्स कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हम यहाँ पर सब्जी का बढ़िया रंग लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने आलू को उबाल कर छीन लिया था। आलू के हमें ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करने हैं,
इसी तरह से हमें आलू के बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। आलू को मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ढक्कन लगा कर रख देते हैं। अभी हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। मसाले के अंदर आलू हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इससे क्या होगा, मसाला हमारा अच्छी तरह से आलू के अंदर चला जाएगा। अब हम इसके अंदर एक गिलास पानी डाल देते हैं और सब्जी का उबाल आने तक इसको हम ढक कर रख देते हैं। यहाँ देखिए सब्जी हमारी कंप्लीट बनकर तैयार हो चुकी है और सब्जी का रंग भी इतना बेहतरीन आया है और इतनी स्वादिष्ट ये सब्जी बनी है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो दूसरी बार आपको खाने का और मन करेगा। ऊपर से हम इसके अंदर एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं और एक चौथाई हींग डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं सब्जी के अंदर और ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। तैयार है यहाँ पर हमारे भंडारे वाले आलू की सब्जी। इस तरह से आप भंडारे वाले आलू की सब्जी जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस सब्जी को आप पूड़ी के साथ में खाएं, उसका टेस्ट तो अलग बैठता ही है, पर आप इसे पूड़ी पराठे किसी के साथ में भी खा सकते हैं। आप मेरे चैनल शानू किचन मास्टर को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। देखिए मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मैं तो चली खाने के लिए। आप भी फटाफट बनाइए इस सब्जी को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आलू की सब्जी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।